नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के साथ कोई होल वीडियो शेयर कर रही हूँ, और आज का भी जो होल वीडियो है वो होने वाला है मीशो की तरफ से। और यहाँ पे मेरे पास ये छोटे छोटे से काफ़ी सारे पार्सल हैं। है तो छोटे, लेकिन इनके अंदर जो है वो काफ़ी सुंदर है, और मेरे हिसाब से हर एक लड़की के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो जी चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। जितने भी प्रोडक्ट्स आपको दिखा रही हूँ सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा माई हॉल स्टोर पर, और आप जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो जी आज का जो वीडियो है वो होने वाला है ईयरिंग्स का, और जिसमें कि मैंने कोशिश की है कि मैं छोटे और क्यूट से और बजट में जो ईयरिंग्स आते हैं उनके लिए मैं थोड़ी सी उनकी तरफ मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया है। बाकी तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कैसे लगेंगे, अपनी तरफ से अच्छा ही लेने की कोशिश करती हूँ। और जो ये ईयरिंग्स है ये मैंने डेली पर्पज के हिसाब से, या फिर ऑफिस जाते हैं या स्कूल वगैरह जाते हैं, या मतलब छोटे मोटे अपने घर में आसपास कहीं कुछ फंक्शन है वहाँ जाना है तो उसके हिसाब से मैंने ये किए हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास है फर्स्ट पार्सल, और मैंने कोई भी अनबॉक्स नहीं किया है अभी तक। मैंने कहा जब भी करूँगी आप लोगों के साथ ही। तो जी यहाँ पे है ये हमारा पहला ईयरिंग्स सेट, और डब्बी में दिया हुआ एक कंटेनर में अच्छा रह जाता है, इनमें ये सेफ रहते हैं। रखते हैं ये हमें इस तरीके की ईयरिंग्स। ये देखिए ये गोल्डन कलर में है, और पीछे आपको इसमें एक लूप मिल जाता है विद ये, मतलब ये वैसे नहीं है, देखने में ऐसे लगते हैं कि जैसे जो बाली टाइप होते हैं वैसे हैं, वैसे नहीं है। तो यहाँ पे ये गोल्डन कलर में मिल जाते हैं, और मेरे हिसाब से शायद इसमें एक कलर ऑप्शन और भी था। तो यहाँ पे अब मैं इनको आपको डाल के दिखाती हूँ, ये वाले निकाल देती हूँ। तो देखिए ये है इयररिंग्स, और बहुत सुंदर ये लग रहे हैं डाल के, एकदम हैवी सा लुक दे रहे हैं, तो मुझे तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। बाकी आप लोग देख के बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगे। पहन के मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि पहनने के बाद इनका लुक कैसा आता है। तो जी ये है हमारी फर्स्ट इयररिंग। इसका जो कोड है या जो लिंक है वो आपको माई हॉल स्टोर पर मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट है। अब चलते हैं सेकेंड पार्सल की ओर, और सारे आज इयररिंग्स ही हैं। तो यहाँ पे ये ना एक बहुत ही वायरल इयररिंग्स चल रही है, मैंने ना काफ़ी लोगों के पास ये देखा, और तो मैंने फिर सोचा कि चलिए मुझे भी ये मंगवाना चाहिए। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि चेरी वाली जो इयररिंग्स हैं ये काफ़ी चल रही है आजकल, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं भी इनको मंगवाती हूँ और देखते हैं कि कैसे। हालाँकि जो मुझे रिसीव हुई हैं ये थोड़ा अलग है, इनमें ऊपर ये टॉप्स हैं, बाकी जो मैंने देखी थी वो एक वायर है वो जो कान के उसमें भी निकल जाती है, और ये जो चेरी है ये नीचे उसमें एडजस्ट हो जाती है। खैर ये भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो जी यहाँ पे ये है इयररिंग्स, और इसमें आपको डबल डबल फायदा है, ये दो तरीके से करके आप पहन सकते हैं। इसको निकाल दीजिए तो ये आपको एक छोटे से टॉप्स की तरह नजर आएगा, बिल्कुल छोटा सा स्टोन वाला एक टॉप्स है इस तरीके से, जैसे मतलब कभी लाइट वेटेड सा डालना हो। और अगर इसी में ही आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है तो ये लीजिए, इसमें ऐसे डाल के, इसमें रिंग दिया हुआ है ऐसे डालिए, ये हो गया है बंद। ये लीजिए एक ही इयररिंग्स में दो दो का काम आपको मिल जाता है। तो दोनों मैं डाल देती हूँ फटाफट से, और मुझे अच्छे लग रहे हैं, बाकी आप लोगों को कैसे लगे बताइएगा जरूर। तो जी ये है, और एप्पल है ये, स्ट्रॉबेरी है या बेरी है या चेरी है, क्या है वो आप लोग बताइए। तो यहाँ पे ये है, और मेरे सूट के साथ ना ये मैच हो रहा है बहुत अच्छे से, और लग भी सुंदर रहे हैं, बहुत ही छोटू से है, बिल्कुल लाइट वेटेड है। हाँ जी, तो इसमें ये है एक व्हाइट कलर के पर्स में, स्टड टाइप ये है, जैसे स्टड होते हैं ना वैसे वाले, तो बहुत सुंदर ही मुझे लग रहे थे, और मोतियों में थे तो मोती मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए देखिए यहाँ पे इन पे शाइनिंग आ रही है बहुत ज्यादा, बहुत सुंदर ये लग रहे हैं देख के, बहुत ही अच्छी शाइनिंग सी इन पे आ रही है। मुझे वैसे पहन के ही पता लगेगा कि ये किधर से उल्टा है किधर से सीधा है। और ये लीजिए ये इस तरीके से है, मतलब ये इसका लूप भी है और ये इयररिंग्स भी है इस तरीके से। तो चलिए इनको डाल के देखते हैं। तो ये है देखिए, इस तरीके से ये पहना जाएगा, और सुंदर लग रहा है काफी, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा कान उड़ गया। तो ये है, इसको शायद मेरे हिसाब से उल्टा करके भी इसको शायद डाल सकते हैं, कि ये अगर आपको बड़े वाला ऊपर की साइड रखना है तो शायद ये ऊपर भी आ सकता है। आपकी इच्छा है कि आप इसको किस तरीके से पहनना या डालना चाह रहे हैं।
ये इस तरीके से डल के तो सिर्फ ये स्टड जैसा ही लग रहा है कि काफी बड़ा पर्स है, और इसमें ये ऊपर और नीचे दोनों साइड है। आपको किस तरीके से अच्छा लग रहा है वो आप देख के बताइएगा जरूर। मुझे तो ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा, ये अपनी जगह अच्छा लग रहा, लेकिन ये भी और बिल्कुल लाइट वेटेड है। आपको जैसे डालना है जैसे पहनना है आप अपने हिसाब से इसको पहन सकते हैं और अपना स्टाइल जो भी आपको कैरी करना है वो कर सकते हैं। तो खैर चलिए जी, तीन मैंने दिखा दिया आपको, बारी है चौथे पार्सल की। तो जी ये है देखिए, यहाँ पे एक गोल्डन कलर के वही है सुंदर से, और मुझे ना पर्सनली मैं बताऊं मुझे इस तरीके की इयररिंग्स ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि इनको ना पहनना और कैरी करना बहुत आसान है। इनमें ना मेरे कान दुखने लगते हैं जो टॉप्स टाइप होते हैं ना, या जो पीछे हुक वाले होते हैं, तो उनमें मुझे मतलब पहन के थोड़ा मैं कंफर्टेबल नहीं रहती, तो इसलिए मुझे ये वाले इयररिंग्स जो है ये ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनमें ये हुक टाइप होता है ऊपर से, और इसको कान में फंसाओ और बहुत ही आराम से ये हो जाता है। तो ये देखिए जी, गोल्डन कलर में बहुत सुंदर से हैं ये, देखिए खुलेंगे किधर से, ऊपर की साइड से ही खुल रहे हैं। तो चलिए इनको फटाफट भी पहन के दिखाती हूँ आपको, देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरीके से ही आएगी, और अभी मुझे याद आया कि ये मैंने सर्च किए थे कोरियन इयररिंग्स करके, कि मतलब जो कोरियन, आजकल कोरियन ट्रेंड काफी ज्यादा इंडिया में चल रहा है, तो उनकी जो इयररिंग्स वगैरह होती है या कुछ बहुत ही अलग होती है, बहुत ही सुंदर होती है। तो जी देखिए, दोनों मैंने पहन लिया है और सुंदर लग रही है। इनमें मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ, क्योंकि इनमें एक तो ये नहीं है कि होल है या हुक है या लूप है या कुछ भी है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे और कान में को आराम से निकल गए, तो बहुत सुंदर ये लुक दे रहा है। ये देखिए गोल्डन कलर में, और मुझे लग रहा है शायद इसमें कलर ऑप्शन था, सिल्वर था या शायद एक दो पैटर्न भी थे, तो वो मुझे नहीं याद है अभी। तो खैर चलिए कोई बात नहीं, तो मैं अभी खोलती हूँ अगला पार्सल। तो ये है अगला, और ये भी शायद ये है इस तरीके की पैकिंग में, और ये देखिए ये भी पर्स में है, बहुत सुंदर सी ये इयररिंग्स हैं। तो चलिए देखते हैं इनको खोल के, और मेरे हिसाब से ये जितनी भी मैंने ऑर्डर की थी बहुत ही लो बजट वाली थी, कि मतलब 150 के अंडर अंडर थी है, और जो सबसे सस्ती वाली थी वो तो शायद 99 रुपीज़ की, उससे भी कम की थी। तो जी देखिए ये है इस तरीके की, बहुत सुंदर ये लग रही है मोतियों की, और मुझे ऐसा लगता है कि पर्ल्स जो है ना, मोती जो है, वो सबके साथ बहुत आसानी से चले जाते हैं। आप कोई भी फंक्शन हो, कोई भी ओकेजन हो, फेस्टिवल है या कुछ भी, कैसी भी आपने ड्रेस पहनी हुई है, मेरे हिसाब से तो ये सब पे निकल जाते हैं बहुत अच्छे से। तो चलिए इनको डाल के देखते हैं कि ये कैसे लगते हैं। तो जी पहन लिए हैं ये मैंने, और डबल लेयर में ये आपको मिल जाते हैं, सुंदर लग रहे हैं, हल्के से बिल्कुल लाइट वेटेड से हैं, पता भी नहीं लग रहा। हालांकि मेरे कान जो है वो नीचे से लाल हो गए, क्योंकि मैं बार बार चेंज कर रही इस वजह से, लेकिन कुल मिला के ये है अच्छे हैं, लेंथ भी अच्छी है इनकी, मतलब गर्दन तक आ रहे हैं और सुंदर लग रहे हैं देख के। बाकी बिल्कुल लाइट वेटेड है, गोल्डन और इसके पर्ल्स के साथ ये हैं। यहाँ पे आपको एक स्टोन मिल जाता है ऊपर के साथ। तो ये इयररिंग्स कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्सल की, और एक दो ही रह गई हैं, तो मैंने अपने पास ही रखे हुए थे, मैंने कहा फटाफट खुल जाते हैं। ये है बड़ी खूबसूरत सी बॉक्सिंग आई है, जैसे बहुत सुंदर बॉक्सिंग में है ये, और ये लीजिए खोलते हैं खजाना। इतनी बड़ी पैकिंग में इतनी छोटी छोटी सी इयररिंग्स, पर ये है कि पैकिंग काफी अच्छी की हुई है, और पैकिंग देख के ना मन खुश हो जाता है। आपको इयररिंग्स अंदर लगाने हैं तो उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पे ये कटआउट से दिए। तो खैर चलिए देखते हैं इनको। तो जी ये है इयररिंग्स, तीन शेड में ये है, वाइट, स्काई ब्लू और ब्लू। जब मैंने इनको देखा था तो मुझे ये साइज में थोड़े से बड़े लग रहे थे, पर यहाँ पे ये थोड़े छोटे हैं, पर कोई नहीं, लाइट वेटेड है, डिजाइन सेम टू सेम मिला है, और बीच में ना इनमें स्टोन दिए हुए हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे ना, तो बीच बीच में इनके फ्लावर के बीच में जो है वो स्टोन है। तो चलिए डाल के देखते हैं इनको। तो जी देखिए पहन लिया है मैंने, और बहुत छोटू छोटू से, बहुत ही लाइट वेटेड से, बहुत सुंदर लग रहे हैं। पता नहीं आप लोगों को कैसे लग रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल ही लाइट वेटेड से हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं ये, और ये इनको आ रहा है लुक पहनने के बाद, बहुत प्यारे लग रहे हैं। बिल्कुल पहनने के बाद ये भी पता नहीं लग रहा कि इयररिंग्स पहनी हुई है कानों में, इतने लाइट वेटेड हैं, और मेरे हिसाब से शायद ये ही सबसे इनमें कॉस्टली है, जो 150 या 160 के समथिंग कुछ हैं, तो ये वाली इनमें सबसे हैवी, मतलब सबसे महंगी थी। तो ये है हमारा लास्ट पार्सल, और देखते हैं कि इसमें क्या है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैंने ऑर्डर किए थे, तो मुझे खुद नहीं याद है कि मैंने क्या क्या या कौन कौन सी इयररिंग्स ऑर्डर की हुई है। गत्ते के डब्बे में आया है, ओहो इसमें बड़ी खतरनाक सी इयररिंग्स हैं इसके अंदर। चलिए तो जी ये हैं इयररिंग्स, और हमारे यहाँ इन्हें बोलते हैं चैन, मतलब जो बस क्या बताऊँ मैं आपको, खैर
गले में भी आ रहे हैं इस तरीके के, और ये है इयररिंग्स। तो इनको पहन के देखती हूँ। देखने में तो इस तरीके से लग रही है जैसे बहुत हैवी होंगे, पर पहनने के बाद पता लगेगा, क्योंकि ये शायद प्लास्टिक कैप होती, हल्की सी प्लास्टिक होती है ना, कुछ उस तरीके के मिक्स सी प्लास्टिक के, आवाज से ही पता लग रहा। तो चलिए इनको डाल के देखते हैं। तो जी इयररिंग्स पहन लिए हैं मैंने, और पहनने के बाद ये भारी नहीं लग रहे, बल्कि मतलब जो अब से पहले पहनने उनके हिसाब से तो देखिए हल्के से हैं, लेकिन जैसे देखने से लग रहे कि बहुत भारी होंगे तो बिल्कुल भी भारी नहीं है। और ये इनका है लुक, कैसे लग रहे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे हिसाब से जैसे लड़कियां जाती है ना पार्टी वगैरह में जो वेस्टर्न ड्रेसेज वगैरह डालती हैं, उनके हिसाब से शायद मेरे हिसाब से तो ये सही है उनके लिए। बाकी सबका अपना अपना तरीका होता है कि कौन किस तरीके से पहनता है इनको, कौन किस तरीके से स्टाइल करता है। मुझे तो सब ठीक ही लगे, और मैं सही में बताऊँ मुझे सबसे अच्छे लगे वो जो कि वो लूप डाल के अंदर उनको फंसा रहे थे ना उसमें, वो वाले, और एक जो चेरी वाले थे वो वाले। तो आपको कौन से अच्छे लगे वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। जितने भी आपको मैंने प्रोडक्ट्स दिखाए हैं सबका लिंक आपको माई होल स्टोर पे मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। खरीदना चाहते हैं तो आप ले भी सकते हैं अपने लिए, बहुत ही लाइट वेटेड सी और इजी टू कैरी ज्वेलरी है। तो जी इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पे, कैसी लगी जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।